हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज फर्स्ट टाइम मैं नॉनवेज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है फिश। इस फिश को बोलते हैं नॉर्वेन सैमन विथ मस्टर्ड सॉस। तो पहले मुझे इसे मैरिनेट करके रख लेना 5 मिनट विथ सॉल्ट और टर्मरिक। उसके बाद फिर मैं अपने पैन को गर्म करूँगी और उस अच्छे से गर्म करना है ताकि फिशेस चिपक ना जाए। और ऑयल भी मैंने बहुत कम डाला है, ऑयल को भी गर्म कर लेना। उसके बाद स्लोली स्लोली फिशेस डालते जाने हैं। इस फिश को बहुत ज़्यादा हार्ड करके फ्राई करना नहीं पड़ता है, बहुत हल्के से फ्राई करना होता है। और ये फिश ऐसी फिश है जो खुद में ऑयल छोड़ती है। अब जितना ऑयल डालोगे उससे वो ज़्यादा ही हो जाएगा ऑयल। अब बच्चों को आप दो तो उसको थोड़ा अच्छे से फ्राई करके दो, क्योंकि बच्चे तो सॉस के मस्टर्ड सॉस के साथ या करी में डाल के नहीं खाते, वो फ्राई पसंद करते। तो उनको थोड़ा फ्राई करके आप दे सकते हो। तो मेरी फिश अभी यहाँ फ्राई हो रही है। आपने देखा मेरा वन साइड फ्राई होगा, मैं थोड़ा पलट दे रही हूँ ताकि दोनों साइड बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये फिश बहुत हेल्दी होती है, बहुत कोई भी खा सकते हैं ये फिश को। तो ये फ्राई हो गई, अब मैं इनको निकाल के अलग रख दूंगी और जो बचे फिशेस है अब मैं उनको इसमें डाल दूंगी फ्राई होने के लिए, ताकि एक ही बार में फ्राई हो जाए वो अच्छे से। अब जो हेड होती है फिश की, इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना होता है। अब मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है ग्रेवी की प्रिपरेशन। इसमें है मस्टर्ड सीड्स और पॉपी सीड्स। तो जो मैंने सूखे ग्राइंड करके रख लो उसको 2 स्पून लूँगी। उसमें जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट डालूँगी जो मैं पहले से बना के रखी थी, अराउंड 1 स्पून। फिर मैं टमेटो प्यूरी बना के रखा है उसको मैं 2 स्पून डालूँगी। और फिर थोड़ी देर मसाले को भीगने के लिए रख दूँगी ताकि उसका जो फ्लेवर है मस्टर्ड का वो निकल के आए अच्छे से, मस्टर्ड और पॉपी सीड्स का। इसमें मैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डालूंगी 1/4 स्पून, 1/4 स्पून से भी कम कोरिएंडर पाउडर, उससे भी कम क्यूमिन पाउडर। अब देख ही पा रहे हो कितना कम डाला है। और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। अभी सॉल्ट नहीं देना है मसाले में, इसको थोड़ा पानी के साथ को थोड़ी देर सोक करके रख लेना है ताकि उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आए और वो थोड़ा भीग भी जाए। और अब ये फिशेस तो फ्राई हो गया, मैं इनको मैं धीरे धीरे निकाल के अलग से प्लेट में रख दूंगी और जो एक्स्ट्रा ऑयल उसको भी मैं निकाल के रख दूंगी। कि ज़्यादा ऑयल दोगे तो फिर अच्छा नहीं बनेगा वो खाना। उसी ऑयल को मैं थोड़ा सा अराउंड वन स्पून मैं वापस पैन में डालूंगी। फिर इसमें मैं डालूंगी थोड़ी कलौंजी और थोड़ी ड्राई रेड चिली। और फिर ये थोड़ा सॉटे हो जाए उसके बाद मैं मसाले को डायरेक्ट डाल दूंगी उसी में। ना अनियन आपको स्लाइस करके डालना है, ना टमेटो स्लाइस करके, कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट उस मसाले को आप डाल दो उसमें, फिर थोड़ी देर उसको चला लो। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। आपने नोटिस किया था मैंने उस टाइम सॉल्ट ऐड नहीं किया था। अब इसको थोड़े अच्छे से चला लेना है, फिर धीरे धीरे फिशेस को अब मैं डालती जाऊँगी इस पर। आप सोच रहे होगे मैंने कितना कम मसाला डाला है। हाँ, सी फिशेस में ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है, वो बहुत कम मसाले में होता है। पतला सा इसकी ग्रेवी जो होती है पतली सी होती है, बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं होती है सी फिश की। तो बस थोड़ा इधर उधर करके मैंने कोट कर लिया है फिशेस को। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, कोट हो गए, पानी ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ी देर उबाल आने तक इसको रख दूँ। फिशेस को आप थोड़ा इधर उधर पलट भी दो ग्रेवी में, ताकि जो ग्रेवी का जो टेस्ट है, फ्लेवर है स्पाइसेस का, वो फिशेस फिश के अंदर चला जाए। और ताकि फिश जब आप खाओ तो आपको फिश के अंदर भी वो स्पाइसेस की टेस्ट मिलती रहे। तो आप इधर उधर करके थोड़ा चला लो उबाल आने तक। देख रहे हो इसमें उबाल आ गया है अच्छे से। अब इसको मैं ऊपर से कोरिएंडर लीव्स स्प्रिंकल कर दूंगी, ग्रीन चिली इसमें डाल दूंगी और गैस को बंद कर दूंगी। फिर बन के रेडी हो गए मेरे फिश करी विथ मस्टर्ड सॉस।
अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये मेरी रेसिपी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।